हेलो यूट्यूब गाइस, तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडिंग में। तो अभी मैं एवोलॉन मैन्युफैक्चरिंग का जो आईपीओ आया हुआ है वो चालू हो गया है। अभी इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ का पूरा सब्सक्रिप्शन देखेंगे, इस आईपीओ का पूरा रिव्यू देखेंगे, इस आईपीओ का करेंट जीएमवी देखेंगे। इस वीडियो में काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, जिसे आपको लास्ट में मैं बताऊंगा क्या ये आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिना स्किप किया प्रॉपर तरीके से पूरा तरीके से आप इसको वॉच करिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और अगर एवोलॉन मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में, जो लोग नहीं मेरा रिव्यू देखे हैं उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देना चाहता हूं। ये कंपनी जो है 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का कंपनी है। ये EMS का काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग सर्विस का ये प्रॉपर कंपनी है। और ये बॉक्स बिल्ड का काम करता है इंडिया में, हाई इंडिया में तो ये लीडर है। 2022 में आप देख सकते हैं लीडर्स इन द सेगमेंट, इंडिया का ये लीडर है। बाकी इंडिया के अलावा भी ये कंपनी कई जगहों पे काम करती है, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं PCB, यानी कि आप देख सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये का ये काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का। साथ में पूरा सिस्टम का बॉक्स बिल्ड का कंपनी बॉक्स बिल्ड करती है। इंडिया के अलावा ये जो है कंट्रीज़ में चाइना, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान में इसकी टोटल जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। अभी देख सकते हैं आप, ये जो है PCB के अलावा डिजाइन का काम करती है, केबल असेंबली का भी काम करती है, और काफ़ी सारा इसका काम है कंपनी का। आप जाके रिव्यू मेरा वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि IPO का हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो ओपन हो रहा है 3 तारीख को IPO ओपन हो चुका है दोस्तों, क्लोजिंग इसका 6 तारीख को है। तो आप इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट जो होना है वो 12 तारीख को होना है, और फंड जो रिफंड होगा ये 13 तारीख को होना है। जिन लोग को शेयर मिलेगा उनका डीमैट में क्रेडिट होगा 17 तारीख को, और इसकी लिस्टिंग रखी गई 18 तारीख को। 5 बजे तक आप अपने UPI से IPO अप्लाई कर सकते हैं 6 तारीख तक। तो अभी हम लोग IPO का पूरा डिटेल्स आप समझ गए, अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दे रहा हूँ। डेट मैंने आपको बता ही दिया है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये पर शेयर का है। प्राइस आप देख सकते हैं 415 से 436 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज इसका 34 शेयर का लॉट है इसका। इशू साइज आप इसका देख सकते हैं 865 करोड़ रुपये का है, और फ्रेश इशू जो इसका है 320 करोड़ रुपये का है। वहीं ऑफ़र फॉर सेल की हम बात करें तो 545 करोड़ की ऑफ़र फॉर सेल है, और NSE और BSE दोनों साइड इसकी लिस्टिंग रखी गई है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में दिखा देता हूं कि अभी ये IPO, जैसे ये रिटेल एक लॉट से अप्लाई कर सकते हैं 34 शेयर से, 14,824 रुपये चाहिए, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 442 रुपये क्वान्टिटी। यहीं पर HNI की बात करें तो यहाँ 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 476 शेयर, और वहीं HNI का मैक्सिमम देख सकते हैं आप 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं 2278 शेयर का। वहीं BHNI जो है मिनिमम 68 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं 2312 रुपये का। तो अभी आपने इस वीडियो में कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का डेट जाना, डेट जानने के बाद आपने कंपनी की सारी लॉट साइज जानी, प्राइस जानी। अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका GMP देख लेते हैं, GMP से आपको आइडिया लगेगा, और मैं आपको बताऊँगा क्या ये IPO आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अभी ये देखिए 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को हम छोड़ देते हैं। 27 तारीख में 24 पॉइंट अप था ये ग्रे मार्केट प्राइस में, जिसका 5.5% की लिस्टिंग हम लोग देख सकते थे। 28 तारीख में वही फ्लैट रहा, 5.5% की लिस्टिंग हम देख सकते हैं। 29 तारीख में देख सकते हैं 15 पॉइंट नीचे, यानी कि 451 रुपये, 3.5% जो अपने को 6.5% यहाँ पर 6% दिख रहा था वो 3.5% पर आ चुका है गाइज। 3-3-1 में देख सकते हैं 11 पॉइंट वापस से नीचे आया, जो 3.5% का प्रॉफिट हम देख सकते थे यहाँ पे 2.5% में कन्वर्ट हो चुका है ये। 31 तारीख को आप देख सकते हैं फ्लैट ही रहा है, 2.5% पे अपना रुका रहा। 1 तारीख में आप देख सकते हैं 12 पॉइंट अप, यानी कि 2.5% वैसे ही फ्लैट रहा, जो 12% 11 रुपये यहाँ पे गिरा हुआ, 12 रुपये कवर किया यहाँ पे। और 2 तारीख को देख सकते हैं वापस से 12 रुपये पे फ्लैट रहा। 3 तारीख में आप देख सकते हैं 11 पॉइंट वापस से नीचे, यानी कि जो 2.75 का हम लोग लिस्टिंग गेन देख सकते थे वो 2.52। तो ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से देखा है दोस्तों, तो अभी बहुत अच्छा IPO नहीं लग रहा है। फिलहाल आप इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करिए,
आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये आईपीओ आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। आप 5 तारीख 6 तारीख तक 12 बजे तक आप वेट करिए, 12 बजे के बाद इसमें डिसीजन लेंगे हम लोग कि आईपीओ जो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।